जय जोहर संगवारी हो, मैं हूँ दीपक। आज मैं हूँ अंबिकापुर में। मेरा स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई इसी कॉलेज से हुई है जिसे आप देख रहे हैं। जब मैं अंबिकापुर में था तो यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारे जगह पर जाता था, जहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए और घूमने के लिए जाता था। तो आज मैं आपको उनके बारे में बताऊँगा। यह सभी पर्यटन स्थल अंबिकापुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें सबसे अधिक लोग पिकनिक मनाने के लिए घाघी वाटरफॉल जाते हैं। घाघी वाटरफॉल के जस्ट पीछे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है पंचधारा जलप्रपात, जो मैन पार्ट व अंबिकापुर का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। अभी मैं हूँ लोअर पॉइंट में। थोड़ा सा बात जो है लिप्स जो बात है वो थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है, क्योंकि ठंड जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। रोशन भाई बता रहे थे अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे 4 डिग्री था, मैन पार्ट में 2 डिग्री था, यहाँ 4 डिग्री। तो ऐसा ठंड जो है यहाँ पड़ रहा है, और आप देख सकते हैं पूरा कोहरा ही कोहरा है। पहले ये जो है जगह है ये लोअर पॉइंट के नाम से जाना जाता था, बट अब जो है ऑक्सीजन पार्क के नाम से जाना जाता है। और अभी देख सकते हैं पूरा अंबिकापुर कोहरा ही कोहरा है। और मैं सिटी का टाइम लैप्स बनाने के लिए आया था, बट अभी जो है पूरा कोहरा ही कोहरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप देख सकते हैं सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिख रहा है। गुनगुट्टा डैम। अंबिकापुर से बहुत से लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। यह अंबिकापुर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है, तो सबसे अधिक लोग यहाँ पर ही घूमने के लिए आते हैं। पत्थर। अभी दो जगह घूमे हम, अभी गुनगुट्टा डैम गए थे, वहाँ से भी जस्ट आ रहे हैं यहाँ। और यहाँ पर है टिनटिनी पत्थर। तो ये फेमस जो है यहाँ के एक पत्थर है जिसमें मेटल कहा जाता है। अभी तक हम सोचते थे कि अंबिकापुर के जो दरीमा है बस यहीं पर जो है टिनटिनी पत्थर है, पर तिल्दा में भी जो है एक टिनटिनी पत्थर है, जिसका वीडियो मैं पहले बनाया हूँ। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं पिंटू भैया। ये समग्र छत्तीसगढ़ नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और बहुत ही बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं। आने वाले टाइम में इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो है आपको मिलेंगे, और वीडियोस जो है बहुत ही डिटेल वीडियो है जो समग्र छत्तीसगढ़ है उसी से रिलेटेड जो है वीडियोस बना रहे हैं। तो भैया अभी कैसा लग रहा है? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। सर के साथ हम लोग ठिनठिनी पखना आए हैं, जो कि सरगुजा जिला में है। आप लोग आइए यहाँ, ये जगह बहुत अच्छा है। इधर पत्थर हम लोग आगे दिखाएंगे, वो पत्थर में अलग टाइप से आवाज आता है। हमारे साथ चीनू भी है और चीनू भाई जो है ये भी यूट्यूब चैनल जो है बना के रखे हैं, गेमिंग में लाइव स्ट्रीम करते हैं, और इनके 150 सब्सक्राइबर भी हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम टिनटिनी पत्थर। तो ये सामने है टिनटिनी पत्थर, इस पर मैं पहले ही बेस वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे जाकर देख सकते हैं, वो पूरी डिटेल वीडियो है। दोस्तों ये है टिनटिनी पत्थर, तो इसको बजा कर देखते हैं। ऐसे तो मैं पहले बजा कर आपको दिखाया हूँ, देखिए हर जगह कुछ अलग अलग आवाज़ आता है। ऐसा पत्थर तिल्दा जो है, तिल्दा में भी है, और वहाँ पे यहाँ पे तो एक ही पत्थर है, वहाँ पे 3-4 पत्थर है जिसमें इस तरह का मेटल का आवाज आता है। पिंटू भाई बजाइए और देखिए कैसा लग रहा है। बर्तन टाइप से आवाज आ रहा है सर इसमें एकदम। हाँ अद्भुत चीज है ना, पे ना सब में अलग अलग, इसमें कुछ अलग आवाज, कुछ अलग आवाज। रियल में अद्भुत जगह है भाई ये, यानी पत्थर में इस तरह का आवाज कैसे आ रहा है, सोचने वाली बात है। आप भी आइए और बजा कर देखिए कैसा लग रहा है। वाह, नीचे देखो तो नीचे भी बजता है क्या? नीचे देखते हैं, नीचे भी बजता है क्या? अरे सच में नीचे भी आवाज आ रहा है, मतलब चारों ओर आवाज आ रहा है। गजब का पत्थर है यार, रियल में अद्भुत जगह है। आप आइए यहाँ पर देखिए और बताइए आपको कैसा लगा यार। दोस्तों चलिए आपको लेकर चलते हैं घाघी वाटरफॉल। मेन पार्ट के बाद सबसे अधिक लोग जो घूमने के लिए जाते हैं या पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं वो है घाघी वाटरफॉल। ये अंबिकापुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। Thank you.
दोस्तों चलिए आपको लेकर चलते हैं अंबिकापुर व मैन पार्ट का सबसे ऊंचा वाटरफॉल। यह अंबिकापुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। सो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं पंचधारा ट्रैक में और वो हमारी टीम जो है वो जा रही है। तो ये ग्रुप जो है फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में 7 लोग हैं अभी, तो उन्हें पंचधारा ट्रैक जो है अभी करा रहे हैं और इसके बाद जो है हम लोग घाघे झरना जाएंगे यहीं से। और अभी यहाँ पे ठंडी भाई बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ पे जो ठंडी है वो इन्हें नॉर्मल जो नॉर्मल टाइम में 12 से लेके 20 के टेम्परेचर में है और कल तो बहुत ज़्यादा ठंड था। कल लगभग 5 से 6 डिग्री था दोपहर में भी, और रात में यहाँ पे जो है 4 डिग्री हो जाता है मैन पार्ट में। तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड है। आप सभी आएंगे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और चलिए आपको लेके चलते हैं पंचधारा वाटरफॉल के पास। एक पत्थर देखा, कितना बढ़िया सेप है, बिल्कुल एक गेट जैसे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मंदिर का कोई हिस्सा हो, एकदम प्लेन, छूने से भी प्लेन। नहीं क्या पत्थर है, इस तरह के पत्थर जो है मंदिरों में शायद यूज़ होता होगा, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी ट्रैकिंग में जाते हैं, आसपास की जंगल है, पेड़ पौधे हैं, पत्थर है, उनको देखिए, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, एकदम नेचुरल, वो अलग ही होते हैं। और आप देख सकते हैं ट्रैक में एक पॉलीथीन नहीं है, एकदम नीट और क्लीन है। ये ऐसा ट्रैक जो जब भी आप जाते हैं तो जो पॉलीथीन या ये सब रहता है बिल्कुल उसको लेकर जाएं। कितना क्लीन और कितना साफ है यार, जाने के बाद पता चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको आगे लेकर चलते हैं, पानी देख सकते हैं यहाँ पे, पानी जो है एकदम क्लीन। अंदर भी डाल के आपको दिखा देता हूँ मैं, देखिए कितना क्लीन है। आगे चलते हैं। हेलो हेलो, कैसा लग रहा है अभी ट्रैक? बहुत ही बढ़िया, अभी ऐसा कुछ ज्यादा गर्मी नहीं, ज्यादा ठंडी नहीं, वेदर बहुत अच्छी है। कल ठंड था? कल तो बहुत जबरदस्त ठंड था रात को। चलिए आगे चलते हैं। सो वाटरफॉल जस्ट आने ही वाला है यहाँ पर, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर साइड आ चुके हैं हम, और ये यहाँ पर एक कुंड टाइप का बन रहा है, लगभग 8 से 10 फीट गहरा है और एकदम क्लीन पानी है। और अभी तो ठंडी है इसलिए अभी नहा नहीं रहे, नहीं तो यहाँ पे कूद के नहाते जरूर। क्यों भाई? चलिए आगे चलते हैं, मेन वाटरफॉल जो है सामने है, थोड़ा सा और नीचे उतरना पड़ेगा। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं पंचधारा वाटरफॉल के ऊपर, पर अभी पानी देख सकते हैं पूरा तरह से सूख चुका है। थोड़ा सा पानी जो है यहाँ से बह रहा है, बट ये ड्रोन से दिखेगा तो मैं आपको ड्रोन से दिखाऊंगा अभी। यहाँ पे जो है पानी सूख चुका है, लगभग 100 से 150 फीट जो है, लगभग 100 से 150 फीट हाइट है इसका। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, बट ये सिर्फ बरसात में ही दिखता है, यानी सितंबर तक जो है आप यहाँ पे आ सकते हैं, उस टाइम थोड़ा पानी यहाँ पे रहता होगा। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वाटरफॉल है, ये मैन पार्ट का सबसे ऊँचा वाटरफॉल है और 150 फीट से ज़्यादा ही है, 100 से 150 फीट से ज़्यादा ही है। तो आप आइए देखिए कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पंचधारा से नीचे उतर रहे हैं और लगभग 4 से 5 किलोमीटर नीचे उतर कर जाना है। अरे
आराम से भाई। अंबिकापुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर आएंगे तो लगभग 30 से 40 किलोमीटर के एरिया में आप चार जगह घूम सकते हैं। एक पहला है घुनघुट्टा डैम, दूसरा है ठिनठिनी पत्थर, तीसरा है अभी घाघी झरना और चौथा है पंचधारा जलप्रपात। तो ये चार जगह जो है आप जरूर घूमें अगर इस साइड आते हैं तो। ये अंबिकापुर से हैं तो ये चार जगह जरूर घूमें। और मैन पार्ट भी आते हैं तो मैन पार्ट से जस्ट नीचे में उतरेंगे तो आप ये चार जगह जो आपको मिल जाएगा घूमने के लिए। मैन पार्ट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, टॉप 10 वीडियोस, तो वो मैन पार्ट के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली के बीच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी दबा ले। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, उसमें मैं बहुत सारे फोटोज जो है जितना भी ट्रैवल करता हूँ, जो मेरे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है, उसके फोटोज जो है मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।